गुरुजी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। खुश रहिए गुरुजी। जब से लॉकडाउन लगा तब से आपकी भागवत सुनी है। पहले अगर कोई सी भी परेशानी होती थी थोड़ी सी, मैं बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब अगर कोई परेशानी आती है आपकी कोई भी कथा यूट्यूब पर सुन लेती हूँ, जैसी परेशानी होती है उससे संबंधित, तो फिर मैं रोती नहीं हूँ, सब आपकी बातों से समझ में आ जाता है। गुरुजी प्रश्न मेरा यह है, एक माँ है, उसके दो बेटे हैं, तो बड़ा बेटा 2 लाख रुपए महीना शहर में कमाता है, छोटा बेटा गांव में मजदूरी करता है, और वही माँ की देखभाल करता है जो छोटा बेटा गांव में है। तो माँ ने जो है, जो बेटा देखभाल करता है, अपनी जो ज़मीन थी वो सारी छोटे बेटे के नाम कर दी। तो अब जो ज़मीन छोटे बेटे के नाम माँ ने कर दी, अब छोटा बेटा भी माँ को नहीं देखता। तो समाज वाले लोग कहते हैं कि पाप किया। अब माँ जो है बहुत ज़्यादा वृद्ध है और बिस्तर पर पड़ी हुई है, उठती भी नहीं है। तो समाज वाले सब लोग कहते हैं कि पाप किया है, जो बड़े का हिस्सा छोटे को दे दिया उसकी सजा भुगत रही है। तो क्या ठीक है? सही बात है, बिल्कुल भुगत रही है। बेटों के साथ भी गलत ना करें माँ बाप। क्यों एक की संपत्ति दो? सबको बराबर पे पैदा ही नहीं करना था ना? पैदा करने में तो कर लिया, बड़ा बेटा और बांटने में रो रहे हैं। बड़ा बेटा इतना पैसे वाला हो गया, माँ को देखता नहीं, और छोटा बेटा सब कर रहा था। तो माँ की गलती है तो कर्म दंड तो भगवान की लाठी तो सब पे चलेगी। कोई हो सेवा करनी चाहिए बेटों को। पर गुरु जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। किसका? आपको। किस बात का? भगवान को भक्त से मिलाने को और भक्त से भगवान को मिलाने को। गुरु जी हमने 70 से जो हमने भगवान में लगे हुए हैं, लेकिन पूजा करते थे लेकिन वैसा पूजा नहीं करते थे जैसा आपने सिस्टम बताया। और मुझे वो एहसास हुआ कि भगवान हमको दर्शन और मेरे हाथ से जल भी ग्रहण करते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद आपको देता हूँ जी। दूसरा है गुरु जी कि भगवान शिव के माथे पर तीसरा नेत्र कैसे हुआ सर? भगवान शिव के माथे पर ही नहीं बेटा, सबके माथे पर तीसरा नेत्र है। बस शंकर जी का खुला हुआ है, हम सबका बंद है जी। है सबका, शक्तियाँ सबके पास ईश्वर ने बराबर दे रखी जी। बस कोई शिव जैसा तपस्वी हो, त्याग हो, तो तीसरा नेत्र भी खोल ले ना, नहीं तो फिर आदमी अपने मन को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा है जी। गुरु जी कहने का मतलब, गुरु जी हम तो शिव के ही भक्त थे, लेकिन शिव नारायण में तो अंतर हम लोग नहीं माने आज तक। लेकिन दूसरा यह सवाल है कि जैसे हम आए वृंदावन 3-4 दिन के लिए गरी में, तो हम 11 माला का जाप कैसे करें? कोई बात नहीं, आप जब जाएं तब कर लें, अभी तो जितना चलते फिरते कर सकें वो करें, ताकि संतुष्टि होता नहीं, मन करता है कि ट्रेन में भी हम माला को जाप करते रहें। हाँ तो जाप करते रहें, मन में चलता रहे अंदर अंदर। धन्यवाद गुरु। खुश रहिए।